एक कहानी सुनाएं सर। हमें लगा तुमने मौन व्रत रखा है। किससे कब और कितना बोलना है ये हम बहुत पहले समझ गए थे सर। किससे कब और कितना बुलवाना है हम भी ये बहुत पहले समझ गए थे। पुलिस की खातिरदारी के बाद भी ये वाली हंसी देखना चाहेंगे। अतिथि देवो भव, अपने मेहमान से बदसलूकी करेंगे आप? सरेंडर क्यों किया तुमने? आपको एक कहानी सुनाने आया सर। तुम जैसों की कहानी अच्छी तरह पता है हमें। बहुत ही गरीब घर से था सर, पूरे घर की जिम्मेदारी हमारे सर पे थी। छोटी मोटी चोरी से सब शुरू हुआ और फिर वक्त और हालात ने यहां तक पहुंचा दिया। ये है ना तुम्हारी राम कहानी। और बताएं तुम्हें तुम्हारे बारे में। अगर आज हम तुम्हें 10 करोड़ रुपए दें और कहें विदा ये लो और आज से सारे काले धंधे बंद कर दो तो तुम साफ मना करके घर चले जाओगे। लेकिन घर जाते यही 10 करोड़ हमसे लूटने की प्लानिंग शुरू कर दोगे। ये है तुम्हारा स्वभाव। यही 10 करोड़ अगर हम आपको देकर कहें कि हमें छोड़ दीजिए तो आप हमें छोड़ेंगे तो नहीं, पर मौका पाते ही हमारा एनकाउंटर कर देंगे। ये है आपका स्वभाव। बढ़िया है, आप और हम बिल्कुल एक जैसे हैं सर, और एक दूसरे के वजह से। सिर्फ इसलिए कि दोनों के पीछे एक दुम लगी है, चूहा और बिल्ली एक जैसे हो गए। अरे बिल्ली की वाली तो चूहे से ही होती है सर। पर यहाँ तो चूहा खुद चलकर चूहेदानी में आया है। ये तो सोचिए कि कोई चूहा अपनी मर्जी से चूहेदानी में फंसा था का? ये कोई मामूली चूहा नहीं है, 16 मर्डर किए हैं इसने। अरे आप भी तो कोई मामूली बिल्ली नहीं है, 15 एनकाउंटर तो आप भी किए हैं। 18। शिवगढ़ एनकाउंटर ऑपरेशन आप ही किए थे? अब्बास अली का ऑपरेशन था। लेकिन सही में तीनों का? पहले गोली उधर से चली, फिर सेल्फ डिफेंस में हमें भी फायर करना पड़ा। क्या करते हैं? हमने 16 मारे, आपने 18। आप हमसे आगे हैं सर। नहीं, सवाल आगे पीछे का नहीं, सही गलत का है। लाइन किस तरफ सही है और लाइन किस तरफ गलत। मान लिया सर, आप राम हम रावण। पर आप भूल रहे हैं सर कि राम को राम बनाने में रावण का बड़ा हाथ होता है। आप परेशान हो रहे थे ना कि वेदा अंडरग्राउंड अगर सेफ था तो बाहर कहाँ आया? आपको एक कहानी सुनाने आए सर, जो सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है।